नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शनिवार को रीवा में 11 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 200 के लगभग पहुंच चुकी है। शनिवार को 11 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल बिछिया, तकिया और घोघर इलाके के पाए गए सभी संक्रमित मरीज रीवा के संजय गांधी अस्पताल से संबंधित बताए गए हैं। हिस्ट्री निकलवाने पर पता चला कि हाल ही के दिनों में ज्यादातर लोग संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे, जबकि कुछ मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही रीवा का संजय गांधी अस्पताल अब कोरोना संक्रमित मरीजों के दृष्टिकोण से कोविड-19 का सेंटर बनता नजर आ रहा है। इससे पहले भी हॉस्पिटल के कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नई रिपोर्ट सामने आने के बाद अब रीवा जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के लगभग, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 107 के आसपास पहुंच चुकी है। आपको बता दें, जिले में अभी तक 91 संक्रमितों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। सर, आज नए कितने मामले आए हैं? आज रीवा नगर में कुल पॉजिटिव केस 11 आए हैं, जिसमें से पचमठा मोहल्ले के एक, बिछिया के 4, अमहिया का 1, SF चौराहा 1 और एक PG गर्ल्स हॉस्टल, एक संजय गांधी और एक द्वारिका नगर। इस तरह से टोटल 11 केस आज मिले हैं और 2 RRT टीमें काम कर रही हैं। हम लोग संबंधित केस को वहां भेज दिए हैं अस्पताल उपचार के लिए और उनके घरों को जहां जैसी आवश्यकता है कंटेनमेंट घोषित कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन करा रहे हैं और उनकी हिस्ट्री हमने तलाश ली है। अब उनके सैंपलिंग लेके और उनका भी उपचार कराया जाएगा। सर, आज फिर से 15 नए मामले आए, कहाँ कहाँ पे हैं? हाँ, ये कुछ मामलों की जानकारी हुई है नई कोरोना पॉजिटिव की, जिसमें से 3 मामले आपके घोघर के हैं, 2 मामले घोघर के हैं, 3 मामले बिछिया के हैं और कई मामले हमारे उन्हीं मामलों को लेकर के हम उनके घरों पे जा रहे हैं। अधिकांश लोग तो पहले से ही संजय गांधी अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी छुट्टी नहीं हुई है और साथ में हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फैमिली हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री ले रहे हैं कि वो कहाँ से हुआ है। साथ में घर पर भी उनके समझाइश दी जा रही है कोई बाहर ना निकले, उसी के तहत ये कार्यवाही चालू है। नए कंटेनमेंट जोन हम लोग बिछिया में बना रहे हैं, घोघर में बना रहे हैं, जहाँ पर एरिया काफ़ी वाइड लोग घनी बस्ती के रूप में रह रहे हैं वहाँ पर हम लोग कंटेनमेंट जोन के बनाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अभी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।